हेलो माय डियर फैमिली, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि म्यूशन सो रही होती है, तो जैसे ही उसकी जाग होती है तो वो कहती है कि यैंग तुम क्या ब्रेकफास्ट लेना पसंद करोगे। तो जैसे ही वो उठ के देखती है कि यैंग उसके पास नहीं होता, तो फिर वो उठती है और बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजरती है तो उसे फील होता है कि बाहर कोई बैठा हुआ है, तो वो किचन से पैन लेती है और छुप के मारने की कोशिश करती है, तो सामने से दिखाते हैं कि उसकी फ्रेंड लिनलिन बैठी होती है। अब वो लिनलिन को देखकर कहती है तुम यहाँ, तो लिनलिन उसे कहती है कि सिस्टर मैं डाइवोर्स चाहती हूँ। तो वहाँ पर म्यूशन उसको पानी देती है और उसे कहती है ये बताओ तुम यहाँ कैसे आई। तो वो कहती है कि मैं दरवाजे पे नॉक करती रही, जब मुझे रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने तुम्हारा बर्थडे पासवर्ड लगाया तो डोर ओपन हो गया, तो तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। तो म्यूशन कहती है ठीक है। तभी म्यूशन कहने लग जाती है तुम और वो लिन 7 साल से रिलेशनशिप में हो, तुम्हें तो लाइसेंस भी मिलने वाला और तुम लोग तो शादी करने जा रहे थे। तभी वो उसे बताती है कि मैंने वो लिन का सेलफोन यूज किया तो मुझे उस पर डाउट हो गया। तभी फिर म्यूशन उसे डांटने लग जाती है कि किसी का सेलफोन इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए, लॉ के खिलाफ होता है। तो कहने लग जाती है लिन लिन के इसमें क्या हो गया, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर मैं उसका सेलफोन यूज ना करती तो मुझे कैसे पता लगता कि वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। तभी म्यूशन कहती है क्या व्योलिन चीटिंग कर रहा है। तभी वो कहती है कि हाँ मैं एविडेंस भी लाई हूँ। अब वो सारे मैसेजेस उसको दिखा देती है। तो वहां पर ही म्यूशन कहती है कि तुमने जिस तरह से एविडेंस लिया ये इलीगल होता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लिनलिन खफा होने लग जाती है कि लगता है तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। तो वहां पर ही म्यूशन उसको यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अब म्यूशन और यैंग इन दोनों हस्बैंड वाइफ का केस सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहां पर ही म्यूशन कहती है कि मसला तब स्टार्ट हुआ जब सेलफोन को देखा गया। तो वहां पर ही यैंग कॉफी पी रहा होता है और कॉफी पीते पीते उसको ठसका लगता है। तो वहां पर ही यैंग म्यूशन को ताने भरे अंदाज में कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ में भी एक लाइन होती है जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वहां पर ही व्यूलैंग यैंग को इशारा करता है कि तुम मेरी साइड पर हो के नहीं। तभी वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ही म्यूशन कहने लग जाती है यैंग को ताने भरे अंदाज में कि हस्बैंड एंड वाइफ का मोबाइल यूज़ करना ये एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक इलीगल इशू भी माना जा सकता है जिस पे डाइवोर्स का मुकदमा किया जा सकता है। तो वहाँ पर ये दोनों मुँह फेर के बैठ जाते हैं। तो व्यूलैंग कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों हमारा मसला तो सॉल्व करोगे ही, लेकिन उससे पहले तुम लोग अपना मैटर सॉल्व कर लो। तो दोनों कहते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक हैं आपस में। तो वहाँ पर ही म्यूशन कहने लग जाते हैं कि व्योलन तुम सस्पेक्ट माने जाते हो क्योंकि तुमने अपने कॉलीग के साथ चैट वगैरह तो की है। तभी वो उसे कहता है अपने कॉलीग के साथ चैटिंग करना कोई चीटिंग नहीं कहलाती, मैंने जस्ट उसके साथ म्यूजिक वगैरह शेयर किया और थोड़ी बहुत ही बात की थी। तो लिनलिन उससे लड़ने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, तुमने म्यूजिक भी शेयर किए थे, उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लाकर दिए थे, इस तरह की बातें तुम मुझसे तो नहीं करते। तो वैसे कहता है कि मैं तुमसे म्यूजिक शेयर वगैरह करता था, लेकिन तुम्हारी हॉबीज कुछ डिफरेंट है। अब ये दोनों इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं और व्यूलिंग उसे यकीन दिलाता है कि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं की। तो वहां पर ही म्यूशन उसको सबूत दिखाती है कि व्यूलैंग तुम पब्लिक प्लेस पे भी अपने कॉलीग के साथ मिल चुके हो, तो तुम सस्पेक्ट तो माने जा सकते हो, इस पर लिनलिन तुमसे डाइवोर्स जरूर ले सकती है। तो वहां पर ही व्यूलैंग इशारा करता है यैंग को, तो यैंग कहता है कि म्यूशन तुम जरा मेरे साथ साइड पर चलो। तो उसको ले जाता है और वहाँ पर ही वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ क्या लिनलिन बाकी डाइवोर्स लेना चाहती है। तभी फिर म्यूशन कहती है कि ऑफ कोर्स वो लेना चाहती है, तो वो मेरे पास आई थी। तो वहाँ पर ही यैंग उसे कहता है कि इस बात को छोड़ दो, मुझे आधे घंटे का टाइम दे दो, मैं अपने कॉलीग्स के साथ उसके साथ बैठकर कुछ बातें करूंगा, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा वो डाइवोर्स लेना भी चाहती है कि नहीं। तो वहाँ पर ही म्यूशन कहती है इट्स ओके, जैसा तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो। अब व्यूलिन म्यूशन से यही कहता है कि 7 ईयर का रिलेशनशिप था हमारा, क्या इतना भी लिनलिन को मुझ पर ट्रस्ट नहीं। तो म्यूशन उसको कहती है कि जिस तरह से तुम चैटिंग कर रहे थे तो साफ नजर आ रहा था कि तुम भी अपने दायरे से निकल ही रहे थे, और दूसरी बात यह कि तुम कुछ तो ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से लिनलिन इनसिक्योर फील कर रही थी। तो वहां पर म्यूशन को याद आता है कि यैंग ने भी लड़ाई में उसको यही कहा होता है कि तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारा सेलफोन क्यों यूज कर रहा हूँ, उल्टा तुम लाइन और लिमिट्स की बात कर रही हो। तो वो अपनी लड़ाई सोचकर थोड़ा अपसेट होने लग जाती है। इधर से यैंग भी लिनलिन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पर ही यैंग की एक कॉलीग सीनियर आ जाती है। तो वहाँ पर ही वो लिनलिन को देखकर कहती है कि तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने चीटिंग की है, मेरी एक कॉलीग है उसके साथ वो चैटिंग करता है। तो वहां पर ही वो उसको कहने लग जाती है कि ऐसे शख्स के साथ तुम फिर क्यों जिंदगी गुजार रहे हो, उसको अब तुम अपने घर से निकाल दो ना, ऐसे के साथ शादी भी क्यों करनी। अब वो जान के इस तरह की बातें कर रही होती है, फोर्स कर रही होती है सेपरेट होने के लिए, ताकि वो लिनलिन की दिल की बात समझ सके। तो वहां पर ही वो कहती है कहां है तुम्हारा हस्बैंड, मैं उसको निकाल देती हूँ। तो लिनलिन कहती है कि नहीं वेट वेट सीनियर, मैंने उससे अभी तक अपना मसला सॉर्ट आउट नहीं किया है। तभी फिर सीनियर उसे कहने लग जाती है देखा ना डाइवोर्स का कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन डाइवोर्स चंद पैसों में तो ली जा सकती है, लेकिन तुम खुद सोचो क्या सेपरेट होना इतना आसान होता है। तो लिनलिन कहती है कि नहीं। तो वहाँ पर ही यैंग उसको कहता है कि हमेशा सोच समझ के इस मामले में फैसला करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना।
तो वहां पर ही दिखाते कि लिनलिन बोलंग के पास जाती है, तो वो उसको देखकर कहता है लिनलिन तुम, और वहीं वो सॉरी करने लग जाता है कि आईना मैं गर्ल्स के साथ चैट वगैरह नहीं करूंगा, तुम्हें जो चीज़ नहीं पसंद मैं वैसा नहीं करूंगा। तो वहां पर इन दोनों का पैचअप हो जाता है। तो यैंग आता है और वहां पर ही वो म्यूशन को देखता है और कहने लग जाता है कि इनका तो सॉर्ट आउट हो रहा है क्या हम भी, लेकिन वो उसकी बात सुनती नहीं और वहां से उठ के चली जाती है। अब म्यूशन टैक्सी का वेट कर रही होती है, वहां पर ही यैंग आता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तो वो उसे कहती है कि नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि मैंने कैट्स के लिए कुछ सामान लिया है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तभी फिर वो कार में बैठ जाती है। अब ये फ्रिज में कैट के लिए बहुत से सामान रख रहा होता है, तो वहां पर ही डोरबेल पे नॉक होती है। तो जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो गाओ सॉन्ग म्यूशन के बॉस वहां पर आते हैं, तो उसको देखकर थोड़ा जेलस होने लगता है। अब दिखाते हैं कि गाओ सॉन्ग और म्यूशन काम कर रहे होते हैं, तो यंग बहाने बहाने से आता है तो कहता है कि म्यूशन तुम्हें कोई पानी वगैरह चाहिए, तो वो कहती कि नहीं। तभी फिर वो एप्पल भी लेकर आता है, क्या तुम्हें चाहिए, तो वो कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हें कोई और चीज़ की ज़रूरत है, तो इसे कहती कि हाँ बस तुम डोर बंद करके यहाँ से चली जाओ। तो वो चला जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो जाता है तो म्यूशन कहने लग जाती है गाओ सॉन्ग से कि मुझे ओवर टाइम वर्क करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब अगली बार जब भी कोई ओवर टाइम हो तो आप मेरे घर बिल्कुल भी मत आना। तभी फिर गाओ सॉन्ग उसे देखने लगता है, तो फिर वो उसे कहती है कि बेशक मैं सिंगल होने जा रही हूँ, आपकी भी कोई पार्टनर तो होगी ही, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हम दोनों के रिलेशन पे कोई भी डाउट करे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब जैसे वो काम खत्म करके जाने लगता है तो वो कहता है कि ठीक है कल तुमसे मुलाकात होगी, तो वो कहती है ओके और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही गाओ सॉन्ग जाता है तो यैंग कहता है म्यूशन को देखकर कि एक सेलफोन को टच करने की वजह से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, है ना। तभी फिर वो उसको कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ही नहीं तो मैं इसके आगे क्या कहूँ। तभी वो कहता है कि रात के इस पहर तुम्हारा बॉस इतनी आधी रात को आ जाता है, तो तुम बताओ मैं कैसा फील करूंगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि वो इधर पर आया था तो मैं तो तुम्हें धोखा नहीं दे रही, अगर तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है ही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे सिक्योर फील भी तो करवा सकती हो। तो वो उसे कहते हैं तुम कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, और वैसे भी मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें हम दोनों एक दूसरे का सेलफोन देखते रहें और एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, तो ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तभी फिर वो उसे कहती है और ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा जिसमें हम दोनों एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें। तो फिर वो उसको देखता है तो वहाँ पर ही वो कहती है और मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, सुबह मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना है, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो अंदर चली जाती है और वहाँ पर ये थोड़ा अपसेट बैठा होता है और उठ के यहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि म्यूशन लिनलिन की वेडिंग के लिए रेडी होके जा रही होती है। यैंग उसको जाता हुआ देख लेता है और उस जैसी मैचिंग करके ड्रेस पहनकर उसके पास आता है, तो उसे कहते हैं कि वाओ ये कैसा इत्तेफाक है, हम दोनों ने सेम कपल ड्रेस पहना है। तभी फिर म्यूशन उसे कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि जब तक कोई काम ना हो उसके बगैर मेरे पास मत ऐसे आया करो। तो उसे कहते हैं कि ऐसा तो मत कहो। तभी फिर उसे कहते हैं कि मैंने कुछ सोचा है कि हमारा ड्राइवर और पैसेंजर का रिलेशनशिप क्या नहीं हो सकता। तो फिर वो उसे कहती है कि नहीं मैं खुद से चली जाऊंगी, तो वो वहां से चली जाती। अब ये दोनों वेडिंग हॉल में एक साथ पहुंचते हैं, तो वहां पर ही कुछ लेडीज कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, तो वो इनको देखकर कहते हैं क्या तुम लोग कपल हो, ये हम कपल को दे रहे हैं। तो वहां पर ही म्यूशन कहती है कि नहीं हम कपल नहीं रहे। तो वहां पर ही वो लेडीज कहती है चलो ये कार्ड एक ही बंदे को दिया जाएगा। तो ये दोनों बहस कहते हैं मैं लूंगा, वो कहता है मैं लूंगा। तो वहां पर ही लिनलिन की फ्रेंड आकर कहती है कि लिनलिन अपना वेडिंग ड्रेस गैरेज में छोड़ा ये कार में। तो वहां पर ही म्यूशन कहती है कि चलो मैं इसको ले आती हूँ, तो वो उसका वेडिंग ड्रेस लेने चली जाती है। अब वो जैसे ही वेडिंग ड्रेस कार से निकाल के जाने लगती है तो गैरेज में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो वहां पर ही ये कस्टमर सर्विस को कॉल करती है कि लाइट्स बंद हो गई हैं। वहां एक और लेडी खड़ी होती है और वो बोलंग को कॉल करके बताती है कि मैं पहुंच गई हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो वहां पर ही दिखाती है कि लिनलिन रेडी हो रही होती है और वो देखती भी है कि बोलंग के मोबाइल पर एक मैसेज आया है। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही म्यूशन समझ जाती है कि ये व्यूलिन की कॉलीग है, तो वो उसको बातें सुनाने लग जाती है कि तुम कस्टमर सर्विस को कॉल नहीं कर सकती थी, तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम ब्राइड और ग्रूम को इन्फॉर्म करके बताओ। तो वहां पर ही वो कहती है कि अच्छा ऐसा लगता है कि तुम लिनलिन की बहुत ही करीबी फ्रेंड हो, तो तुम मुझे लॉ बताने की कोशिश मत करो, मेरी मर्जी में जिसको वी चैट करूं या ना करूं। अब वो शातिर लड़की होती है, वो बहस की जा रही होती है म्यूशन से, इन दोनों की बहसबाजी चल ही रही होती है, तो एक कार आकर इनके पास रुकती है। तो यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।